आप जरा विचार करो, इसी बनारस की धरती पर योगी बाबा के गुंडे जब मैं अरविंद राजभर को नॉमिनेशन करने के लिए एक वकील को लेकर के तीन लोगों को जा रहा था, तीन ही लोगों की एंट्री थी, हम तीन लोग जा रहे थे, उसके पहले से सैकड़ों गुंडे योगी बाबा के गोरखपुर से पहुंचा दिए गए थे, और यहाँ का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुत्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे, गोली चलाने की बात करने लगे। मैंने उनसे अलविदा नहीं और मैं चला गया नॉमिनेशन कक्ष में। जब नॉमिनेशन करा के निकला साथियों, निकलने के बाद इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ अभद्रता किया, कालर पकड़ा, मारपीट किया, किसी तरह मैं जान बचा करके वहां से भागा। अगर मैं वहां भीड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उड़ जाती साथियों, हमारा आंदोलन रुक जाता, हमारा ध्यान भटक जाता। इस नाते मैंने इनसे बच करके निकला और चला गया लखनऊ, और लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया, और प्रेस वार्ता करके मैंने कहा ये योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे मंजूर है योगी हत्या करा दे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जो ओम प्रकाश राजभर को चाहते हो, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते रहना। ये बाबा चाहे योगी हो, ये कहते हैं योगी बाबा कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर कहता है आए नौजवानों अखिलेश यादव जी को सीएम बना दो, जिस दिन आप इनको सीएम बना दोगे उसी दिन तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। ये काम हम लोग करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बिचारे तो इतना बढ़िया बोलते हैं कि आज जिले जिले घूम रहे हैं, धन्य है गठबंधन के हमारे सभी साथी, हम सब लोगों ने इतनी मेहनत किया कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि आज जिले जिले घूम करके भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दे दो, लेकिन भीख मांगने से वोट मिलने वाला नहीं है। ये नोट कर लेना प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आए गरीबों आओ मेरे साथ, अच्छे दिन आएंगे। जब गरीबों ने वोट दे दिया, गरीबों ने जब वोट दे दिया आप प्रधानमंत्री बन गए, आपके सूबे के योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो आने वाले दिनों में क्या होता है, जब बुरा दिन था तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था, जब अच्छे दिन आ गए तो 1000 रुपया मोदी जी ने बेचवा दिया, जब हमारा बुरा दिन था तो 50 रुपया सरसों का तेल था, जब अच्छा दिन मोदी जी ने ला दिया तो ये 200 रुपया किलो सरसों का तेल बेचवा दिए, जब बुरा दिन था तो 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, जब अच्छे दिन आ गए तो 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट कर दिया, बुरे दिन में 50,000 रुपया 50,000 में मोटरसाइकिल मिलती थी, जब अच्छे दिन आ गए तो 90,000। आए मोदी जी हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांग रहे हो, हम घबराओ नहीं, ये 7 तारीख को तेरे बनारस में तेरी जमानत जब्त करा देगा, ये बनारस अपने सातों प्रत्याशियों को जीता करके दिखाएगा। तो साथियों बहुत कुछ नहीं, हम आप लोगों से पुनः अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, चिंतन करना, आप साइकिल पर ओर दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, आप लिफाफा पर ओर दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी के लोग छड़ी और लिफाफा पर ओर देंगे तो माननीय अखिलेश यादव को मिलेगा साथी। इस नाते भाजपा के चक्कर में नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं, और भाजपा की विदाई होना तय है 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में।